हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इनका कनेक्शन करके दिखा दिया था, CA 3110 बोर्ड है या फिर आप लोग TPA 3110 बोर्ड जो है बताते हैं, इनका कनेक्शन जो है मैंने करके दिखा दिया था। ऑडियो जैक, डायरेक्ट ऑडियो जैक और वॉल्यूम का कनेक्शन मैंने करके वीडियो में दिखा दिया था। अब जो है हम लोग बेस ट्रेबल का कनेक्शन करेंगे। ये है एक बेस ट्रेबल किट और हम लोग बेस ट्रेबल आसानी से ले लेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता हूं और आप लोगों को समझाता दिखाता हूं। इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये जो है यहाँ पर 4 प्रीसेट लगे हैं एक एक चैनल के लिए, और ये जो है यहाँ से बेस ट्रेबल कंट्रोल होता है, और यहाँ से जो है इनके 6 पॉइंट बने हुए हैं और इस तरह से जो है इनका कनेक्शन है। चलिए पेपर पे कनेक्शन को हम लोग संभाल लेते हैं पॉइंट बना करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट ऐसे बना हुआ है, एक पॉइंट इस तरह से बना हुआ है, फिर एक पॉइंट बना हुआ है, फिर से एक पॉइंट बना हुआ है और एक फिर पॉइंट बना हुआ है। फर्स्ट पिन जो है हमारी इनपुट की है, लेफ्ट होगा और ये यहाँ से राइट लेफ्ट होंगे दोनों। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट यहाँ से हम लोगों को निकल आते हैं, और यहाँ जो है हम लोगों की चौथी नंबर पिन जो हो जाएगी इधर से वो हो जाएगी ग्राउंड की, और जो है एक तीसरी नंबर हो जाएगी वो माइनस की। यहाँ पर ऑडियो जैक बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मोबाइल में जाएगा ऑडियो जैक। ठीक है, लेफ्ट राइट गया और यहाँ से एक माइनस, क्योंकि 3 वायर होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था, देखिए इस तरह से जो है पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ से जो है ये आउटपुट होगा जो कि एम्पलीफायर में जाएगा। एम्पलीफायर कोई भी हो सकता है, 3110 ही क्यों हो, 4440 क्यों हो, कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट हो जाएगा और ग्राउंड। तो ये ग्राउंड ले लिया हमने, ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। इस तरह से जो हमारा सिंपल कनेक्शन हो जाता है। और लेफ्ट राइट क्यों होता है, देखिए यहाँ पर जो है 2 स्पीकर लगे होते हैं, एक लेफ्ट का स्पीकर होता है और एक स्पीकर जो होता है वो राइट का होता है। इसी को चलाने के लिए 2 कनेक्शन मोबाइल से आते हैं ग्राउंड के साथ, और 2 कनेक्शन जो है BT से निकल जाएगा लेफ्ट राइट। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो है यहाँ पर हम लोग चाहे तो वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, और वॉल्यूम लगा कर भी मैं दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है इस तरह का जो है कनेक्शन मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जो है अब इनका कनेक्शन शुरू करते हैं डायग्राम के मदद से। तो देखिए ये जो है पूरे कनेक्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन में आप लोगों को मिल रहा होगा, और या फिर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इनको हटाना। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं किसी बोर्ड पे अगर काम करता हूं तो पूरी कनेक्शन बताता हूं, चाहे ब्लूटूथ मॉड्यूल से हो, ब्लूटूथ चिप से हो, ऑडियो जैक से हो, सबसे सारा कनेक्शन करके बताता हूँ, ताकि आप आसानी से एक एम्पलीफायर जो है वो बना सकें। यहाँ पर जो है देखिए ये जो है मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने इनपुट का कनेक्शन करना था, तो ये जो है ऑडियो जैक से जो है ये पीली वाली वायर जो है ये लेफ्ट है। लेफ्ट या राइट कोई भी चेंज हो जाए, मैं गलत भी बोल दूँ लेफ्ट राइट तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और ग्रीन वाला हमारा जो है वो ग्राउंड होता है, तो ये जो है रेड वाला जो है ये राइट हो गया, और ग्राउंड जो है हमारा 4 नंबर था यानी कि माइनस। तो देखिए लेफ्ट राइट ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है। अब जो है इसमें सेम वही प्रोसेस है, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरा जो है इसमें कनेक्शन है, पहले मैं सही कर लूँ, ये जो है हमारा लेफ्ट होगा और ये जो है ग्राउंड, और रेड वाला जो है वो हो जाएगा राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट मिलेगा बेस ट्रेबल बना करके, और वो जाएगा एम्पलीफायर में लेफ्ट के लिए, और ये रेड वाला जो है वो राइट हो जाएगा, और ग्रीन वाला जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो कनेक्शन देखिए हमारा हो चुका है। अब क्या होगा कि कनेक्शन ये सिंपल कनेक्शन हो गया। ठीक है, यही कनेक्शन आप लोगों को समझाना था। और यहाँ पर जो है 2 वायर लेंगे, क्योंकि BT जो है बोर्ड चलता है वो 12 वोल्ट पे चलता है, तो ये ग्राउंड है यानी कि ब्लैक वायर हमेशा ग्राउंड होता है किसी में भी। और ये जो है प्लस है, यहाँ पर एक पॉइंट खाली रह गई थी हमारी, तो ये जो है हमारा प्लस है। देख सकते हैं हमारा कनेक्शन जो है हो चुका है, और हमारा ऑडियो बोर्ड भी 12 वोल्ट से ही चलता है, तो हम लोग सिंपल 12 वोल्ट पे ही प्लस माइनस देख करके यहाँ पर दे देंगे। ये TPA 3110 बोर्ड है, हमें जो है मिला है वो CA 3110 के नाम से मिला है। यहाँ पर जो है कनेक्शन करेंगे प्लस का, तो चलिए हम लोग कनेक्शन जो है कर लेते हैं पहले। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर प्लस का कनेक्शन हो गया। अब जो है हम लोग माइनस का कनेक्शन कर देंगे, और जो है सभी कनेक्शन को ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। तो हमें 12 वोल्ट को जो है देना है, जो ऑडियो बोर्ड को देखिए यहाँ पर लिख रखा है 12 से 24 वोल्ट, तो मैंने दे दिया। अगर जो थोड़ी सी भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग ये देखिए
यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है 12 वोल्ट का देना था, तो मैं जो है यहाँ बीटी पर ही दे देता हूँ बेस टेबल किट पे। तो ये देखिए हमारा जो है ये जो है रेड वाला क्या है, ये रेड वाला हमारा प्लस है तो प्लस पे दे दूंगा, और जो है हमारा ब्लैक वाला माइनस है तो प्रिंट माइनस का देख करके कहीं भी लगा देंगे, क्योंकि वायर वहाँ पर बहुत सारे जो है मैंने ऐड कर रखे हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो है ये कनेक्शन हो चुका है और ऑडियो बोर्ड में रेड लाइट जल चुकी है, और फाइनल इसकी जो है टेस्टिंग करनी बाकी है। तो चलिए हम लोग टेस्टिंग करके आपको बता देते हैं। तो स्पीकर के जो है पॉइंट लगा लेने हैं, यहाँ पर जो है दो पॉइंट मैंने निकाल रखे हैं लेफ़्ट राइट, और जो है ऑडियो जैक को लगाना है, ऑडियो जैक को लगा लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स में और एक एनसीएस म्यूज़िक प्ले करेंगे। इस तरह से जो है आप एक सिंपल कनेक्शन कर सकते हैं और बेस ट्रेबल का आनंद भी ले सकते हैं TPA 3110 बोर्ड से। तो देख सकते हैं मैं कम कर रहा हूँ ज़्यादा कर रहा हूँ, तो बेस ट्रेबल भी काम कर रहा है, देखिए बेस मैंने बढ़ा दिया, बेस भी काम कर रहा है, देखिए कम हो रहा है, और देखिए यहाँ पर बेस कितना हाई दे रहा है। अब जो है मैं ट्रेबल को चेक कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा सेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ट्रेबल भी काम कर रहा है। तो चलिए अब जो है मैं दूसरे चैनल को जो है मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर दूसरे चैनल में मैं लगा लेता हूँ अपने स्पीकर के वायर को। तो दूसरे चैनल का स्पीकर वायर भी मैंने लगा लिया है। देखिए यहाँ पर मैं बेस टेबल को यहाँ पर भी इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाऊँगा कम या ज़्यादा करके। तो देख सकते हो यहाँ पर ये भी बिल्कुल आसानी से काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक सिंपल एम्पलीफायर बना सकते हैं, और किसी भी ख़राब एम्पलीफायर में जो है आप ये सब कनेक्शन करके मेरी वीडियोज़ देख करके आप जो है एकदम आसानी से एम्पलीफायर बना सकते हो। देखिए कितना ज़्यादा बेस निकाल रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है यार। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यहाँ तक अगर आ चुके हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके साथ वॉल्यूम लगाऊंगा, क्योंकि फ़ोन से हम लोगों को बार बार कम करना पड़ेगा। एक एम्पलीफायर में जो है वॉल्यूम का भी सेक्शन होता है, तो ये जो है वॉल्यूम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ वॉल्यूम का कनेक्शन करके। वो भी वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि आपने ये वीडियो देख रखा है, तो वो वीडियो भी बहुत ही आसान होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।